प्रिय दोस्तों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने परम प्रिय मित्र डॉक्टर सत्यनारायण सर के बगीचे में आया हूँ। ये बेहतरीन है, चारों तरफ देखेंगे तो ये सुंदर सुंदर पेड़ जिसमें फल आने वाले हैं, और ये सारे इनके कल्पनाओं के परिणाम हैं। ये पेशे से एक बहुत बड़े वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और ये गांव है, गांव वासियों को इतना प्यार करते हैं कि ये जितने भी दिख रहे हैं इनकी सेवा में व्यस्त रहते हैं। मेरा सौभाग्य है सर, वंडर सर, कि मैं भी इनके साथ रहता हूं। कनेक्ट चार्जर। लेकिन इनकी महानता का जो रहस्य है और राज है वो है इनका करुणा में जीवन, परोपकारी जीवन। ये हमेशा समझते हैं कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन ये एक स्टेप आगे चले गए हैं, वही मनुष्य है जो पशु पक्षियों जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए मरे, सबकी रक्षा करते हैं, करुणा में दयालु दीन बंधु। प्रिय दोस्तों, इनके जीवन का लक्ष्य है चलो जीते हैं, जितना भी हो सके दूसरों के लिए जीना ही जीवन है, बाकी ये जीवन तो पशु प्रवृत्ति है जो अपने जीवन अपने लिए ही जीता हो। तो सिलसिले में एक नरेंद्र मोदी जी पर फिल्म बना है, 32 मिनट्स का है ये, 32 मिनट का, जिसे राष्ट्रपति ने भी देखा है, उपराष्ट्रपति भी ने देखा है, और हमारे जीवन में भी ये झांकी, ये छाया पड़ी है डॉक्टर सत्यनारायण से कि हम भी कुछ जीवन में किसी के लिए करें। तो हम एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, बुद्ध भगवान और विवेकानंद के शिष्य हैं, इसीलिए मानव की अज्ञानता के अंधकार को अपने ज्ञान रूपी सूरज से चमकाने की कोशिश करते हैं। यत्र तत्र जहाँ भी अवसर मिलता है, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई संस्थान हो, वहाँ जाता हूँ और बिना कुछ लेन देन के लोगों के जिंदगी में जागृति देता हूँ, सुख शांति का रास्ता दिखाता हूँ। तो अभी अभी डॉक्टर सत्यनारायण जी का ये आदेश है कि जो नरेंद्र मोदी जी के लिए फिल्म बना चलो जीते हैं, उसका एक थोड़ा सा जो लिरिक्स है, जो गाने हैं, उसको मैं अपने दोस्तों के सामने सुनाना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हो मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा, ज्ञान हो किसी भी तरह का, क्या तो आप डॉक्टर हो या आप एक पॉलिटिशियन हो, लेकिन सबका जो आधारभूत है सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, इसके बिना कुछ नहीं होगा। जो भ्रष्टाचारी हो, जो जाति में भेद रखता हो, जो धर्म के नाम पर झगड़ता हो, जो क्षेत्र के नाम पर जहर फैलाता हो, वो आदमी बोझ है, एक पशु है, नरव्याघ्र है, दूसरों को क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति। तो इसमें चाहिए कि हिम्मत हो, हिम्मत ऐसा कि सूरज जैसी उसकी आंखें हो, उतनी रोशनी फैले, ये धूप को भी पी जाते हो कितनी भी गर्मी में वो तड़पता नहीं हो, आसमान को छूने की जोश रखता हो, तारों को मुट्ठी में पकड़ लेता हो और लोगों को जिंदगी में सारे रोशनी फैलाता हो। तो थोड़ा लिरिक्स सुन लीजिए। आंखों में भरते हैं सूरज, धूप को वो पीते हैं, है आग जिनके लहू में, है आग जिनके लहू में, वासमा को छूते हैं, भर के तारे हजारों मुट्ठी में, हो के जुगनू से रोशन किसी दिल में, भर के तारे हजारों मुट्ठी में, हो के जुगनू से रोशन किसी दिल में, हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं, हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं, चलो जीते हैं, चलो जीते हैं, चलो जीते हैं। तू है समंदर, तू है किनारा, बाहें फैला के तू दे दे सहारा, कस के पकड़ ले हाथ उसका, जिसने भी तुझको है दिल से पुकारा,
बांटोगे ये जितना बढ़ेगा ये उतना, बांटोगे ये जितना बढ़ेगा ये उतना, है प्रेम का ये गणित न्यारा, जरा सर उठा के तो देखो, देखो जरा सर उठा के, दिल उधरे उधरे हैं, कपड़े चिथरे चिथरे हैं, नंगे और भूखे हैं, है सांस की डोर जब तक, चलो इन दिलों को सीते हैं, भर के तारे हजारों मुट्ठी में, होके जुगनू सी रोशन किसी दिल में, हो सके किसी के वास्ते, चलो जीते हैं, चलो जीते हैं, चलो जीते हैं। थैंक यू।